सीमित कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थिति स्थिर बनी हुई है और सीज फायर कायम है। घुसपैठ के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सख्त निगरानी और एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी से लैस मल्टी टीयर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को स्थापित किया गया है। सीज फायर वॉल्यूशन की घटनाओं या इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश या दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी दुस्साहस से सख्ती से निपटा जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थित यानी स्टेटस को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों को हमने पूरी तरह से विफल कर दिया है। ट्राई सर्विस सिनर्जी और आईटीबीपी, बीएसएफ और अन्य सीएपीएफ सहित इंटर एजेंसी कॉपरेशन के भी वांछित परिणाम सामने आए हैं। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए और हमारी सीमाओं को मजबूती से रक्षा करने की कैपेबिलिटी के लिए ज्वाइंट ट्रेनिंग और एक्सरसाइज संयुक्त रूप से किए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सभी ऑपरेशंस अब संयुक्त और एकीकृत हैं। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्तरों पर भी एलएसी की स्थिति को हल करने के लिए गहन उपाय भी साथ साथ चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर फिजिकल डोमिनेशन के साथ साथ तकनीकी माध्यमों से भी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सुनिश्चित की जा रही है।